Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about EMF difference between EMF and the potential difference or we can call it as terminal potential difference. So EMF kya hoti hai electromotive force or EMF is the maximum potential, it is mainly the maximum potential difference. Potential difference. बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल वेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल वेन करंट इज़ ओपन वेन द सर्किट इज़ ओपन यानी कि क्या बात है इसमें आप ई एम एफ ऑफ एनी सेल क्या बोलते हो जो उस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि उस सेल के पास कितना अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है ई एम एफ अब ये ई एम एफ कब होगा ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा तभी होगा एक कंडीशन होती है आपका जो सेल है सेल से कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए यानी कि सर्किट में आपका कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए यानी कि आपका जो सर्किट है दैट शुड बी ओपन सर्किट ओके अगर ऐसा हो रहा है सपोज आप क्या करते हो कि आपने एक सेल ले लिया सपोज आपने एक ये सेल ले लिया और उसका आप देख रहे हो कि उसका कितना पोटेंशियल है यानी कि आप ई निकाल रहे हो पोटेंशियो मीटर इसके अक्रॉस लगा दिया और आपने ये देखा कि कितना ज़्यादा इसका कितना पोटेंशियल है यानी कि अभी हमने क्या किया है इस सेल को अभी हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करा है ठीक है सेल को हमने अभी वर्किंग में नहीं लाया जो हमारे पास सेल था उसका जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पास है वो हमने देखा वो यहाँ पर पोटेंशियो लगाया और यहाँ पर देखा वो जो आया वो आपका ई कहलाता है यानी कि जब आपका सेल वर्किंग में नहीं है यानी कि करंट जो है उससे पास नहीं कर रहा है उस सिचुएशन पे जब आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका क्या ई और क्या वो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि अब क्या होगा अगर इसको वर्किंग में लगाया ओके अगर इस सेल को आपने क्या है ये सेल है सेल की नोटेशन है इसको आपने क्या कर दिया एक सेल में एक आपने सर्किट में वर्किंग में लगा दिए विद दिस एक्सटर्नल uh, रेसिस्टेंस ऐसे करके हमने लगा दी दिस इज़ योर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से अब क्या है नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करने लग गया ओके okay, करंट यहां से यहां फ्लो करने लग गया तो उस केस में क्या होता है जब आपका सर्किट क्लोज होता है यानी कि जब आपका करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर जो सेल है सेल की भी अपनी एक इंटरनल रेसिस्टेंस होती है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो जब यहाँ से सेल के थ्रू भी अब करंट जाना शुरू हो गया और इसकी वजह से यहाँ ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या करवाएगी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगी यानी कि आई से आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यानी कि जो आपका पोटेंशियल अब आया यानी कि अब आप इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस लोगे अब आप उसको V से डिनोट करोगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जितनी आपकी ई एम एफ की वैल्यू थी जितनी आपकी टोटल ई एम एफ की वैल्यू थी माइनस उससे जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है यानी कि माइनस आई आर वो आप करोगे तो यानी कि ये आपका ई एम एफ है ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल या फिर सिर्फ कह लो पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है जब आपका सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है ई एम एफ आपका बोलते हो जब आपके सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ई एम एफ टाइम में एक्सेप्ट चार्जिंग मैक्सिमम टाइम में आपका जो ई एम एफ होता है वो ऑलवेज ग्रेटर रहता है नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस के क्योंकि ई एम एफ आपकी क्या होगी ई एम एफ ई एम एफ आपकी टोटल वैल्यू है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है जो कि एक सेल के पास होगा अब जब आपने इस सेल को सर्किट में लगा दिया तो वो धीरे धीरे करके इसकी जो ई है वो खर्च होने लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है ओके okay, इसका मतलब जो आपका पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल आने वाला है वो हमेशा कम आने वाला है तो यहां पर ये बात याद रखनी है आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका वी है यानी कि ये वी से होता है ये आपका ई एप्सालम या ई से भी डिनोट होता है ये V से डिनोट होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट यानी कि क्लोज सर्किट यानी कि जब आपका करंट फ्लो कर रहा है तो किन्नी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो तो वो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है बट वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर करंट नहीं है तो वो उसका ई एम एफ बन जाता है टर्म जो आपकी EMF है, यानी कि के के लिए लिए, को बताने के लिए, कि जो आपका सेल का जो आपका पूरा पूरा पूरा, का का जहां पर आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पड़ा हुआ है यानी कि उसके सोर्स को ही आप ई एम एफ कह रहे हो और इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ़ द सर्किट यानी कि ये कहाँ मेजर कर रहे हो एनी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो और इसमें ई को क्या बोल रहे हो ई क्या है जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ सोर्स है सेल के अंदर ही जो आपका पहले से पड़ा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है उसको उसके लिए आप सोर्स के लिए ई का यूज़ कर रहे हो ठीक है सोर्स को बताने के लिए आप ई टर्म का यूज़ करते हो वैसे तो क्या होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बट पहले के बहुत पहले के ज़माने में क्या होता था इसको फोर्स की तरह देखते थे बट ये फोर्स नहीं है कि आपकी बोला जाए तो ये एक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मैक्सिमम है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल जो ये वाली आपकी ई है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यानी कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कैसे हैं उनका नेचर कैसा है जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है सेल में उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करती है ना कि रेसिस्टेंस पर ये इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है क्योंकि जब यहाँ पर emf हम तभी देख रहे जब आपका आ, जो सर्किट है वो आपका क्या होगा ओपन होगा यानी कि आपका कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है और कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ये है वो कब कब देख रहे हो आप ये डिपेंड करता है आपका रेसिस्टेंस पे शोरली डिपेंड करता है क्योंकि जब आपका सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो तो अगर सर्किट से करंट पास करेगा तो रेसिस्टेंस पर भी, भी वो डिपेंड करेगा ही करेगा तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पर और जनरली देखा जाए तो जो ई होती है आपकी वो ज़्यादा ही होती है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्योंकि ई क्या है ई तब है जब आपका कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है यानी कि जब आपका कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है तो जो मैक्सिमम सेल के पास अपने पास स्टोर्ड है वो आपका ई है बट ड्यूरिंग चार्जेस सिर्फ ऐसा एक आ, एक सिचुएशन आती है ड्यूरिंग चार्जिंग वाली जब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि वी वो आपका ज़्यादा हो जाता है ई से क्यों क्योंकि ड्यूरिंग चार्जेस आप चार्जिंग आपको पता है वहाँ पर सर्किट लगा हुआ है वहाँ पर यानी कि करंट आ, पास कर रहा है तो अगर आपका करंट पास कर रहा है तो ऑब्वियसली आप ई नहीं बोलते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो तो यानी कि इस केस में चार्जिंग के केस में जब चार्जिंग हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और ई जो होगी सेल की ऑलरेडी जो सेल की ई होगी वो कम होगी क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं अब हम जो सेल है उसको चार्ज कर रहे हैं उसको दोबारा से चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में ई सेल की हमेशा कम होती है सिर्फ एक ही सिनेरियो रहता है यहां पर थैंक यू सो मच